हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस। लेट वी स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑन मैनेज एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। प्राइवेट सेक्टर उन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को कहा जाता है जिनका मैनेजमेंट कंट्रोल और ओनरशिप प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में होती है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इज द मेन मोटो ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस करने का मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना होता है। नीचे आपको कुछ दे रखे हैं एग्जाम्पल, टाटा इंजीनियरिंग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं। प्राइवेट सेक्टर को और अच्छे से समझने के लिए हमको प्राइवेट सेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझना होगा। प्राइवेट सेक्टर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस तरीके से हैं। सबसे पहला, प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग आर बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। प्राइवेट सेक्टर का जो बिजनेस होता है वो किसी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के द्वारा होता है। प्राइवेट सेक्टर का ओनर कोई भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल होता है। प्रॉफिट मोटिव। प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग आर एस्टेब्लिश्ड मेनली फॉर अर्निंग प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करने का मेन मकसद प्रॉफिट को अर्न करना होता है। इंडिपेंडेंस मैनेजमेंट। द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट अंडरटेकिंग फुल्ली वेस्ट इन द ओनर, दो सर्विस ऑफ प्रोफेशनल कैन बी टेकन फॉर द मैनेजमेंट। प्राइवेट सेक्टर का मैनेजमेंट नॉर्मली उसके ओनर के हाथ में होता है, ऑल दो अगर वो चाहे तो प्रोफेशनल पर्सन्स को भी मैनेजमेंट करने के लिए अपॉइंट कर सकता है। प्राइवेट फाइनेंसिंग। सच एंटरप्राइज आर जनरली फाइनेंस बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। ऐसे बिजनेस में जो पैसा लगा हुआ होता है वो भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर के द्वारा ही लगाया जाता है या वो कहीं से अरेंज करके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है। प्राइवेट अकाउंटेबिलिटी। द पर्सन्स मैनेजिंग दिस इंटरप्राइज आर अकाउंटेबल टू द ओनर फॉर द परफॉर्मेंस। प्राइवेट सेक्टर में जो मैनेजर होता है वो ही अपने सारे काम के लिए अकाउंटेबल होता है। जो भी उसने काम, मैनेजर ने प्रॉफिट या लॉस अर्न किया है उसका उसे बिजनेस के ओनर को जवाब देना होता है। देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नो स्टेट पार्टिसिपेशन। द गवर्नमेंट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच अंडरटेकिंग। प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में गवर्नमेंट कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं करती है। ये पूरा ही प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होता है या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास होता है। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर में हम कितने तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। द फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग आर एज अंडर, फर्स्ट सोल ट्रेडशिप, सेकेंड पार्टनरशिप, थर्ड ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, फोर्थ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। प्राइवेट सेक्टर में बिजनेस करने के लिए आप इनमें से कोई भी एक तरीका चूज कर सकते हैं। आप सोल ट्रेड में बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली के थ्रू बिजनेस कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं या एक कंपनी को भी स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारे टॉपिक को हम डिटेल में स्टडी सेकेंड चैप्टर में कर चुके हैं। अगर इन सारे टॉपिक को भी आपको समझना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। एडवांटेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एडवांटेजेस। फर्स्ट, इफिशियंसी। बिकॉज ऑफ कीन कॉम्पिटिशन इन दिस सेक्टर, द प्राइवेट सेक्टर ओनर गिव मोर इम्पोर्टेंस टू इफिशियंसी एंड एम्प्लॉय स्पेशलिस्ट इन देयर यूनिट, हैंस इफिशियंसी ग्रोस। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है और इस कॉम्पिटिशन की वजह से ओनर जो है वो ज़्यादा इफिशियंसी से वर्क करता है, अच्छे एम्प्लॉय को अपॉइंट करता है और लास्टली हमारे बिजनेस की इफिशियंसी जो है वो ग्रो करती है। सेकेंड इम्पोर्टेंस इज मैक्सिमम प्रॉफिट। द मेन एम ऑफ प्राइवेट ओनर्स इज प्रॉफिट एंड मोर प्रॉफिट एंड थस दे इंक्रीज द नेशनल इनकम। प्राइवेट सेक्टर का मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं और जब वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाते हैं तो नेशनल इनकम भी इंक्रीज होती है। थर्ड,
increase in government revenue. Private sector contribute much to government revenue in form of income tax, sales tax, custom duty, excise duty, etc. Private sector के through government को भी revenue generate होती है, government को भी income मिलती है. Private sector income tax, sales tax, custom duty, excise duty आदि के through government को revenue generate करके देता है. Fourth advantage is economy. To earn a more profit, they lay much stress on economy in the enterprise. New researches and development take place to avoid wastage of main material and resources. ज़्यादा profit earn करने के लिए private sector economy पे stress देता है, वो नए नए research करवाता है, development करवाता है, ताकि main material और resources का wastage जो है वो कम से कम हो. Next advantage is better service. They provide better service to consumer as more sale will bring more profit to them. They pay more attention to the interest of their customer. Private sector जो है वो customer पे बहुत ज़्यादा attention देता है, वो customer को अच्छी service provide करता है, क्योंकि जितने ज़्यादा customer होंगे उतना ही ज़्यादा उनका profit होगा. And the last advantage is managerial skill. In private sector, more stress is given on high technique of managerial skill and financial management. People of high qualification and technical skill are paid handsome remuneration and individually is appreciated. Private sector में technique management को और management skill, financial management और technique को बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है. अच्छे क्वालिफिकेशन वाले लोग, टेक्निकल स्किल वाले लोगों को अपॉइंट किया जाता है और उन्हें अच्छी रेम्यूनरेशन दी जाती है, ताकि वो अच्छे से बिजनेस का मैनेजमेंट कर सके और हमारे एंटरप्राइज का भी डेवलपमेंट हो. हियर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर वीडियो, डिसएडवांटेज और डीमेरिट ऑफ प्राइवेट सेक्टर. There are a number of demerit and disadvantage of private sector. The following are not worthy. First is danger of production of harmful goods. Private sector is responsible for producing such goods which are harmful to the society, because its main motto is maximization of profit. Private sector जो है वो ऐसे goods का production कर सकता है जो हमारी health के लिए harmful हो, क्योंकि private sector का main motto profit को maximize करना होता है, और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वो हार्मफुल गुड्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है. सेकेंड डिमेरिट इज इविल ऑफ कैपिटलिज्म. प्राइवेट सेक्टर इनकरेज ऑल द इविल ऑफ कैपिटलिज्म. कैपिटलिज्म सोसाइटी में जो जो इविल होते हैं, प्राइवेट सेक्टर उन सारे इविल्स को, उन सारे गलत पॉइंट को बढ़ावा देता है. थर्ड इज मिसयूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज. There is very little control on the activity of private business, which gives chances for misuse national resources of the country. Private sector ऐसी activity को control नहीं करता है जो कि national resources को misuse करती हो, और इस तरीके से national resources का misuse बढ़ता जाता है और इससे country को loss होता है. नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज एक्सप्लोइटेशन ऑफ कस्टमर. इन द अब्सेंस ऑफ इफेक्टिव गवर्नमेंट कंट्रोल, प्राइवेट सेक्टर इंडल्ज इन एक्सप्लोइटेशन ऑफ कस्टमर बाय रेजिंग प्राइस और क्रिएटिंग आर्टिफिशियल सीक्रेसी. प्राइवेट सेक्टर जो है वो कस्टमर का एक्सप्लोइटेशन करता है प्राइस बढ़ा के या फिर आर्टिफिशियल सीक्रेसी क्रिएट करके, और इस तरीके से कस्टमर जो है वो एक्सप्लोइट होता है गवर्नमेंट कंट्रोल अगर नहीं होगा तो. देन नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज सेंट्रल कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर. इट इनकरेज कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू बिग बिजनेसमैन. प्राइवेट सेक्टर के थ्रू कुछ बड़े लोगों के हाथ में पूरी पावर आ जाती है, रिच और ज़्यादा रिच बनते जाता है और पुअर और ज़्यादा पुअर बनते जाता है. एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज लोपसाइडेड डेवलपमेंट. Private businessmen have tendency to locate and develop their work at a few selected place only. Private sector जो होता है वो अपना business वहीं पर start करता है या वहीं पर अपने business को लगातार establish करता है जहाँ पर जो area पहले से ही developed है. वो backward area में अपने business को
स्टार्ट नहीं करता है या अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश नहीं करता है, और इस वजह से जो एरिया पहले से डेवलप्ड होते हैं वो और आगे बढ़ते जाते हैं और बैकवर्ड एरिया पिछड़ते जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में प्राइवेट सेक्टर के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, उसके मीनिंग, उसके कैरेक्टर आदि बातों को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम पब्लिक सेक्टर को कवर करेंगे।